सर ये बताइए, यहाँ पे आप लोग इकट्ठे हुए हैं इतनी भारी मात्रा में, क्या वजह है, किस लिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? देखिए, पूर्व निश्चित कार्यक्रम के तहत पासी समाज के रिसर्च स्कॉलर, बुद्धिजीवियों, नौजवानों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग आज इस ऐतिहासिक चंद्रशेखर पार्क में हम लोगों की एक बैठक हुई। प्रकाश में आया है कि महाराजा सुहेल देव के नाम से देवगन द्वारा अभिनीत एक फिल्म बनाई जा रही है, जिसमें विवाद ये हुआ है कि उसमें सिंह जोड़ा जा रहा है, जबकि ये गलत है। हम लोगों के पास सारे तथ्य हैं, तमाम जाने माने लेखकों की किताबों में भी महाराजा सुहेल देव को पासी बताया गया है। 2002 के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के PCS के एग्जाम में भी महाराजा सुहेल देव पासी बताया गया है, और साथ ही जो फिल्म बन रही है उसमें सिंह जोड़ा जा रहा है, उसी को लेकर हम लोगों की एक बैठक आज हुई है। इसमें ये निश्चित हुआ है कि पासी समाज के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, राजनैतिक हैं, संगठन हैं और छात्र और नौजवान हैं, ये एकत्रित होकर भारत सरकार को ज्ञापन देने का काम करेंगे, सेंसर बोर्ड को ज्ञापन देने का काम करेंगे, राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का काम करेंगे, यहाँ तक कि जो फिल्म के अभिनेता हैं अजय देवगन, उनसे अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलकर अपने सारे तथ्यों के साथ उनको बताया जाएगा कि महाराजा सुहेल देव सिंह नहीं बल्कि पासी थे, जो भी टाइटल रखा जाए उनके नाम पर सिंह ना जोड़ के पासी जोड़ा जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम लोगों की एक बैठक इस ऐतिहासिक चंद्रशेखर पार्क में हुई। परिचय आपका? लाला राम सरोज, एडवोकेट, अध्यक्ष प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा। ये बताइए सर, आज यहाँ पे आप लोग चंद्रशेखर आज़ाद में इकट्ठे हुए हैं, आप लोग किस लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? देखिए, हम लोग पासी समाज के लोग आज इस आज़ाद चंद्रशेखर पार्क में इकट्ठा होकर के महाराजा सुहेल देव पासी जी को एक याद कर रहे हैं। हम इसलिए याद कर रहे हैं कि हमारे देश में जो चलता है, जिसे कहते हैं फिल्में देश का आईना, समाज का आईना होता है, इस स्तर पर हमारे साथ, हमारे समाज के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। छेड़छाड़ ये किया जा रहा है जो हमारे समाज में दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सुहेल देव पासी जी सुहेल देव पासी ना होकर के अन्य पिछड़े जात के या अन्य सवर्ण जात के हैं, तो ये गलत किया जा रहा है। इसके खिलाफ यह नौजवान, छात्र और अधिवक्ता और इलाहाबाद के ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के सभी सामाजिक संगठन के लोग, समाजसेवी लोग खड़े होकर के एक साथ एक मुखर होकर के इस बात का विरोध कर रहे हैं कि किसी राजा महाराजा का जिसका इतिहास रहा हो, जिसने अंग्रेजों को धूल चटाने का काम किया है, जिसने मुगलों को धूल चटाने का काम किया है, उसको आप उसका जातिकरण क्यों कर रहे हैं? हम इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आज आज़ाद चंद्रशेखर पार्क में खड़े होकर के यहाँ पर एक मीटिंग की है। और आज मीटिंग करने के बाद हमने निर्णय लिया है कि हम सेंसर बोर्ड, जो हमारा फिल्म प्रमाणिक बोर्ड है, बोर्ड को एक अपने तरफ से एक ज्ञापन देंगे, हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे, हम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। हमारी मांगे यही है कि वो हमारे राजा थे, महाराजा थे, हमारे उनके धरोहर को ख़त्म न किया जाए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी लड़ाई तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा, ये आंदोलन पूरे अनवरत चलता रहेगा और पूरे भारत में चलाएंगे, क्योंकि पासी समाज के साथ ये खिलवाड़ है। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि कुछ ट्रेनें चलाई गई थी, जो ट्रेन चल रही थी सुहेल देव राजभर के नाम से चला रहे थे, जबकि वो सुहेल देव राजभर नहीं, सुहेल देव पासी हैं। और आपको ये भी पता हो, सुहेल देव के नाम से जो फिल्म बन रही है, ये सुहेल देव पासी के ना लिख करके वो सिंह लगा रहे हैं, राजभर लगा रहे हैं। इन सब चीज़ों का हमारा विरोध है। हम अपनी मांग रखते हैं कि ये जो हमारे समाज के धरोहर हैं, उनको न्याय दिया जाए। अरविंद सरोज, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रदेश सचिव समाज, समाज छात्र।